नर्सरी क्लास के नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरा सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? मैं अलका मैम आज आपको फिर से विषय हिंदी लिखने और पढ़ने सिखाने आई हूँ। पहले आप लोग अपनी हिंदी की कॉपी निकालें। पिछले वीडियो में मैंने आपको चार अक्षरों का ज्ञान दिया था, जो है अ आ ई ई। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये चारों अक्षर खूबसूरत राइटिंग से बार बार लिखे होंगे। तो मैं आपके पेरेंट्स से फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप अपने बच्चों के साथ रहते हुए इस वीडियो को देखते हुए उसे सुंदर राइटिंग से कॉपी पर लिखाएं। तो आइए आज मैं आपको दो अक्षर फिर से दिखाने वाली हूँ, जो है ऊ ऊ। तो मैंने जो आपको चार अक्षर पहले सिखा चुकी हूँ वो कुछ आकृतियों द्वारा था, तो मैं फिर से आपको आकृतियों के द्वारा ऊ और ऊ लिखाना सिखाऊंगी, ठीक है? तो आइए आप हिंदी की कॉपी पे जो लाइनिंग दी हुई है उस पे आप पेंसिल को रखेंगे, तो एक आधी गोलाकृति बनाएंगे। आप ध्यान से देखिए और बनाइए। आपने बनाया, फिर सेकेंड लाइन पर एक आधी गोलाकृति बनाएंगे और उससे सटी हुई एक और गोलाकृति बनाएंगे। बनाया, फिर थर्ड में एक गोल आधी आकृति, फिर उससे गोल आधी आकृति और हमें इस लाइन को ऊपर की ओर यानी इस पॉइंट के बराबर हमें लाइन खींचनी है। तो ये आपका बन गया ऊ। आप फिर से इसे देखें और बार बार लिखें। आपने लिखा, अब मैं आपको बताने जा रही हूं ऊ। तो ऊ कैसे लिखना है, हमें इसी ढंग से ऊ भी लिखना है। तो फिर हम गोल आकृति बनाएंगे, फिर आधी एक गोल आकृति बनाते हुए फिर इससे सटी हुई एक गोल आकृति बनाएंगे, फिर एक आधी गोल आकृति, फिर उससे सटी हुई गोल आकृति और इसे हम ऊपर की ओर खींचेंगे। इस पॉइंट पर बराबर लानी है हमें। फिर इसी तरह से लिखेंगे, एक आधी गोल आकृति, फिर एक आधी गोल आकृति और इसे ऊपर की ओर खींचेंगे और ठीक इसी पॉइंट से एक तिरछी लाइन खींचेंगे। ये आपका बन गया ऊ। तो आज आपने सीखा ऊ ऊ। तो मैं फिर से आपको रिवीजन करने जा रही हूं कि आपने क्या क्या सीखा। तो आपने फर्स्ट अक्षर यानी पहला अक्षर अ आ ई ई ऊ से पढ़ेंगे अ आ ई ई ऊ ऊ। तो ये आपके अक्षर पढ़ने और लिखने आपको आ चुका होगा, तो इसे आप बार बार घर पे रिपीट करें। मैं फिर आपके सामने अगले अक्षर के साथ पेश हूँ। थैंक यू।